बिहार हिंसा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बिहार में हिंसा कराई गई है, साजिश के तहत हुई बिहार में हिंसा, सब कुछ जानबूझकर कराया गया, जानबूझकर बिहार का माहौल खराब किया गया और जल्द ही हिंसा का सच सबके सामने आ जाएगा। बिहार शरीफ हिंसा की जांच जारी है और ऐसे के अंदर देखिए पूरी हिंसा को लेकर के नीतीश कुमार का बयान साफ तौर पर सामने आ चुका है और नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार में जो हिंसा हुई है वो करवाई गई है, ये सोची समझी साजिश है, सब कुछ जानबूझकर करवाया गया है, जानबूझकर बिहार का माहौल खराब किया गया है और जल्द ही हिंसा का सच भी सबके सामने आ जाएगा। और जिस तरह की हिंसा बिहार में सामने आई थी, जिस वजह से लोगों के अंदर दहशत व्याप्त थी, डरे हुए सहमे हुए लोग नजर आ रहे थे और ऐसे के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी इस पूरे हिंसा को लेकर के बयान सामने आ चुका है और साफ तौर पर नीतीश कुमार का कहना है कि जो भी हिंसा भड़की, जो भी हिंसा हुई, ये करवाई गई है, ये एक सोची समझी साजिश है, सब कुछ जानबूझकर करवाया गया, जानबूझकर बिहार का माहौल खराब करने का प्रयास किया गया। और साथ ही में नीतीश कुमार ने कहा है कि जल्द ही हिंसा का सच भी जनता के सामने आ जाएगा, बिहार शरीफ हिंसा की जांच की जा रही है। और देखिए पश्चिम बंगाल बिहार में फिलहाल शांति बनी हुई है, कई इलाकों में धारा 144 लागू की गई है और इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान विवाद हुआ था और ऐसे में बंगाल में हिंसा के बाद सीएम ममता बनर्जी का बयान भी सामने आ चुका है। ममता बनर्जी का कहना है कि लोग हिंसा में शामिल ना हो, शांति से रहें, दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, हम हिंदुओं के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जिस तरह से बंगाल में और बिहार में स्थिति देखने को मिली थी, हिंसा देखने को मिली थी, पत्थरबाजी देखने को मिली थी, आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था और ऐसे के अंदर नीतीश कुमार का भी बयान सामने आ चुका है, तो वहीं ममता बनर्जी का भी बयान सामने आ गया है, जहां पर एक तरफ नीतीश कुमार का कहना है कि पूरी हिंसा एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस सब लोगों ने इसमें काम किया, बहुत अच्छे ढंग से सब चीज कंट्रोल हुआ और एक एक आदमी से पूछे और जान लीजिए सब लोग लगा हुआ है, एक एक घर में जा करके देख रहा है, तो कुछ दिन के बाद आप लोगों को पता चलेगा। ये जान बुझ करके जानते हैं ना, ये सब किया गया, एक जगह जिनको जाना था जान बुझ करके वहां करवाया है और दूसरा जगह बिहार शरीफ है, समझ गए, बिहार शरीफ नामकरण किसने किया है, बिहार था, पूरे राज्य का नाम बिहार और उस जगह का नाम बिहार और उसको हम ही किए बिहार शरीफ, आप जरा जान लीजिए, भूलिए मत। तो उस बिहार शरीफ में जो धंधा करने का कोशिश कोई किया है, ये सब पता चलेगा कुछ दिन के बाद, और कुछ से कुछ बोलते रहता है, लेकिन हम तो एक एक को लगाए हुए हैं और एक एक घर में लोग जा रहा है, आप जान लीजिए, और कहीं कुछ है ही नहीं, ये कुछ ना कुछ अंदर से इधर उधर किया, तो उस सब पर भी जांच हो रही है। और सब लोगों से यही हमारी अपील है कि भाई आपस में कोई तरह का ये सब नहीं होना चाहिए, आज तक हुआ ही नहीं, तो ऑल ऑफ ए सडन वहाँ कहा के लिए हुआ, तो ये सब जान बुझ करके एक तरह की योजना है, किस तरह से होता है हम तो आप लोगों को क्या बोले, अरे आप लोग भी क्या बोलिएगा, आप लोग सब पटना में हैं, लेकिन जरा दिल्ली का देख ना लीजिए, अब बाहर का जितना भी है।